कांग्रेस से महापौर का चुनाव लड़ चुकी कविता गोमे भाजपा में शामिल, बोली मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवा दी। उन्हीं के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की। कविता के साथ ही उनके इंजीनियर पति आशीष धवन और पिता वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे कन्हैया लाल गोमे ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी आज के दौर में, बीजेपी ने हमारे भारत को विश्व पटल पर जो सशक्तिकरण दिया है और जो पॉजिटिविटी के साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लेकर गए हैं, विश्व विख्यात जो हमें पहचान मिली है आज, और जो हमारा देश भारत देश जो विकासशील हो रहा है धीरे धीरे, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो गई हैं देश में जो कि इम्पॉसिबल थी, कहीं ना कहीं हम सोच भी नहीं पा रहे थे कभी मतलब पास्ट में कि आर्टिकल 370 कभी हटेगा भी, तो वो उन्होंने संभव कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिखाया। सनातन धर्म की उपेक्षा की कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ मेरा हृदय बहुत आहत हुआ कि हमारे भगवान श्री राम जी का जो आमंत्रण था, उनका जो इनॉग्रेशन फंक्शन था, उसको उन्होंने ठुकराया। वह सहृदय से हम लोगों ने मतलब उन्होंने तो ठुकरा दिया पार्टी ने, मगर हम तो सनातनी हैं और हमारे लिए तो श्री राम भगवान सब कुछ है, वो है तो हम हैं। तो वहाँ मेरी जो भावनाएं थी, हम सब की भावनाएं थी, बहुत ज्यादा आहत हुई। कहीं कांग्रेस साल 2015 में आपको कांग्रेस ने महापौर का टिकट दिया था, उसके बाद से आप लगातार कांग्रेस में रही, कहीं ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस की नीतियां गलत लगी हो? कांग्रेस की नीतियां ऐसी गलत, मैं किसी को गलत और सही नहीं बोलूंगी, बाकी हाँ वहाँ पे बहुत सारी उपेक्षाएं की जाती हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता का मान सम्मान एक वो एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है कि उनको अगर वो कुछ कह रहे हैं अपनी तरफ से, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, तो उन्हें उस पटल पे नहीं रखा जाता है, उन्हें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे कि पार्टी को शायद बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो वो एक चीज़ मुझे बड़ी आहत पहुँचाती है कि वो नहीं होना चाहिए पार्टी में। बाकी हाँ, बीजेपी पार्टी में एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि यहाँ पे हर कार्यकर्ता का सम्मान है, हर कार्यकर्ता सशक्त है और हर कार्यकर्ता अपने बिल्कुल निष्ठा से कार्य कर रहा है, और पार्टी की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि डिसिप्लिन है पार्टी में, और डिसिप्लिन से काम करना मुझे बहुत पसंद है। एकदम से आपको पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने का मन कैसे बना, इसमें परिवार का कितना सहयोग रहा है? परिवार का, मेरे पूरे परिवार का, मेरे ससुराल पक्ष का भी और मेरे मायके पक्ष का भी पूरा पूरा सपोर्ट है मुझे, और ये मन एकदम से नहीं बना है, ये मन काफ़ी सालों पहले ही बन चुका था। मैं देख रही थी धीरे धीरे कि कैसे कांग्रेस पार्टी हमारे देश के विकास की जितनी भी नीतियां बन रही थी, जो सत्ताधारी पार्टी आज बीजेपी पार्टी है जिसकी आज मैं सदस्य हूँ, तो उन्होंने जब जब भी हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति रखी है, तब तक कांग्रेस पार्टी ने उस नीति को ठुकराया ही है, उसका विरोध ही करा है। कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और पार्टी खुश हो रही हो, या वो उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर रही हो, या अगर चलो आप ऑपोजिशन में थे तब खुश नहीं हो सकते थे, तो आप चुप थोड़ा सा शांत तो बैठ सकते थे, नहीं, मगर उन्होंने बराबर से अपना विरोध जताया, आर्टिकल 370 हटा और उन्होंने अपना विरोध जताया, उन्होंने सनातन धर्म का विरोध करा, तो वो बहुत गलत था। एक सवाल ये पूछना चाहूंगा मैं कि अब चूंकि भाजपा में आप आ चुके हैं, तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं अपना स्वयं का और जन सेवा के लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं? मैंने पार्टी सिर्फ जन सेवा के लिए ही ज्वाइन करी है, और मैं जैसे कि प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ, तो मैं ऐसे भी रोज मेरी जन सेवा ही रहती है सुबह से शाम तक, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हृदय से और कर्म निष्ठा से पार्टी के साथ जैसा उनका गाइडेंस होगा बस मैं उनके आदेश अनुसार चलना चाहती हूँ और इस देश की सेवा करना चाहती हूँ। जय को देखते हुए उन्होंने देश को जिस शिखर पे पहुँचा है, हम उससे प्रभावित होकर हमने भाजपा ज्वाइन की है, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह साहब और हमारे प्रदेश के गौरव और हमारे
भाई हमारे मित्र हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद में इस विकास की यात्रा को बहुत अच्छी गति मिली है और लोग बड़ा सुकून महसूस करते हैं। संरक्षण एक इनका संरक्षण प्रदेश की जनता को मिला है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये विकास की यात्रा निरंतर जारी रहे ताकि हमारा देश शिखर पर पहुंचे। आपके पूर्व में पिताजी भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं और आप भी 45 वर्षों से कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस का सफर कैसा रहा पिछले 45 वर्षों का आपका और कांग्रेस? मेरा पूरा परिवार बहुत निष्ठावान सदस्य के रूप में हमेशा काम करता रहा है बगैर किसी लालच के बगैर किसी स्वार्थ के। और जब हमें लगा कि यहाँ पर कांग्रेस में प्रजातंत्र नाम खत्म हो चुका है, महिलाओं का सम्मान खत्म हो चुका है, कार्यकर्ताओं का सम्मान खत्म हो चुका है और जो बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने धारा 370 को पूरा विश्लेषण किया उन्होंने, कांग्रेस जिसे नहीं हटाना चाहती थी वो बीजेपी ने 370 हटा के एक देश में वो काम किया है जो भारत में कोई नहीं कर सकता था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी सराहना हुई है उसकी। अब क्या भविष्य में देखते हैं आप भाजपा के साथ? हम भाजपा के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं, किसी स्वार्थ के कारण नहीं जुड़े हैं। हम भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर और हम चाहते हैं कि भाजपा इसी विकास की गति से जो चल रही है इसमें हम भी योगदान देकर हम भी उसके साथी बने और हमें किसी बगैर स्वार्थ के हम भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और हमेशा नारियों का सम्मान करती है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और इसमें अभी सनातन धर्म को जो इन्होंने एक ऊंचाइयां दी है, अयोध्या में जो राम मंदिर कभी बनना ही नहीं था वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज वो आपको दिख रहा है कि हिंदुस्तान में आपको अयोध्या में राम जी का रामलला का मंदिर बना है और उसके बाद भी आपको उन्होंने आमंत्रण दिया। जब उसका पूजा हुई, उसका उद्घाटन हुआ, जबकि उद्घाटन शब्द एक अलग चीज है लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो एक मन का भाव था वो यही था कि हम हिंदुस्तान के सारे लोग आएं और उसके साक्षी बने, लेकिन कांग्रेस ने वो निमंत्रण भी ठुकरा दिया। और जब राम जी का जब उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया तो हमने कांग्रेस को ठुकरा दिया। आपका एक बार नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट कन्हैयालाल गोमे,